हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 6 बड़े रिटर्न जो कि इस साल के बैकलैश 2020 में हमें देखने को मिल सकता है, जो कि काफ़ी शॉकिंग हो सकता है आपके लिए और शायद आपके इसमें कोई फेवरेट सुपरस्टार का नाम हो सकता है। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को देखो लास्ट तक। अगर आप इस वीडियो को मिस कर देते हो तो काफ़ी चीज़ आप देखना मिस कर दोगे रिगार्डिंग बैकलैश 2020। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो ग्रैंड वेलकम, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चल वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार सॉरी मांग लेता हूं, क्योंकि मैंने जो कल वाला हाइलाइट्स वीडियो बनाया था उससे मैंने अंड्राडे और इनका मतलब अपोलो क्रूज का मैच ऐड नहीं किया था। मैंने गलती से उस मैच को मतलब मैं भूल गया था, तो इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिएगा। तो चलिए रिटर्न वाली वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है जिसके सबसे ज्यादा चांसेज हैं, और वो रिटर्न और को नहीं बल्कि हमें ब्रे वायट का देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज मत होइएगा कि हमें फिंड का रिटर्न देखने को मिलेगा। हाँ, नाम वही है फिंड ब्रे वायट। तो मतलब एक फिंड जो डरावना करेक्टर है, एक ब्रे वायट जो है एकदम मतलब सिंपल करेक्टर है, गुड करेक्टर है। तो फ्रेंड्स, डरावना करेक्टर का हमें रिटर्न देखने को नहीं मिलेगा, ब्रे वायट का रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है। अगर आप मेरे चैनल पे एक्टिव व्यूअर्स होंगे तो काफ़ी वीडियो मैंने बताया है कि समरसलम में WWE के बैकस्टेज प्लान है कि जो डरावना कैरेक्टर है फिंड वर्सेस ब्रॉन स्टेवन का हमें मैच देखने को मिल सकता है एट समरसलम 2020 फॉर द यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और जो इसके बाद पिकवर होगा, यानी कि मे बी अगर एक्सट्रीम रूल्स होता है, क्लैश ऑफ चैंपियंस होता है, तो वहाँ पर ब्रे वायट फेस करने वाले हैं ब्रॉन स्टेवन को। तो ऐसा हो सकता है फ्रेंड्स कि वो हिंट हमें बैकलैश 2020 से ही देखने को मिल सकता है, यानी कि जब ब्रॉन स्टेवन इस मैच को जीत जाएंगे, यानी कि मीजन मॉडिसन को हरा देंगे, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें ब्रे वायट का रिटर्न देखने को मिल सकता है और ब्रे वायट अटैक कर सकते हैं ब्रॉन स्टोमैन पे। और नेक्स्ट रिटर्न हमें फिर से देखने को मिल सकता है, और यह रिटर्न और को नहीं बल्कि हमें ब्रॉक लेसनर का रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, ब्रॉक लेसनर अपने WWE चैंपियनशिप को रेसलमेनिया 36 में लूज कर गए हैं, यानी कि हार गए हैं अगेंस्ट ड्रू मैकइंटायर। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें उनका भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। और पॉल हेमन ये चाहते थे कि जो उनका न्यू फेस हो रॉ का, वो एज अ WWE चैंपियन मुझे बॉबी लेस्ली चाहिए। तो हो सकता है कि अगर इस मैच को बॉबी लेस्ली जीतते हैं तो ब्रॉक लेसनर आके अटैक कर सकते हैं। अगर ड्रू मैकइंटायर मतलब जीतते हैं तो और भी पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएगी कि हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आप इस मतलब जो भी रिटर्न होगा, मतलब ये अपडेट आई थी कि हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है, तो आप उस मतलब इतना सीरियस इसको मत लीजिएगा। और नेक्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है बिग डॉग रोमन रेंस का। अब देखो फ्रेंड्स, रोमन रेंस का तो पट्टा कट गया यूनिवर्सल चैंपियनशिप से, क्योंकि बैकस्टेज प्लान है कि फिंड वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन का हमें मैच देखने को मिलेगा एट समरस्लैम 2020। तो हो सकता है कि अगर IC चैंपियनशिप डिफेंड होता है बैकलैश 2020 में, अगर डेनियल ब्रायन वर्सेस एज स्टाइल का मैच कोई भी जीतता है, वहां पे न्यू IC चैंपियन बनते हमें नजर आता है इस वीक के स्मैकडाउन में, तो हो सकता है फ्रेंड्स कि रोमन चैलेंज कर सकते हैं बैकलैश 2020 में। जो भी सुपरस्टार अपना मतलब IC चैंपियनशिप को डिफेंड करेगा, तो कुछ इसी प्रकार से हमें हिंट मिल जाएगा कि अभी भी रोमन के चैंपियनशिप के लाइन से पट्टा नहीं कटा है, और हो सकता है फ्रेंड्स कि अभी भी WWE इनको पुश दे सकती है। और नेक्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है लार्ड सिल्वन का। अब देखो फ्रेंड्स, लार्ड सिल्वन का रिटर्न काफी दिन हो चुका है और मतलब कोई भी बात नहीं कर रहा है, तो एक्सपेक्टेशन ज्यादा है फ्रेंड्स कि शायद हमें इनका भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, मुझे नहीं पता है कि WWE इनको किस स्टोरी लाइन में डालेगी और किस ब्रांड पे डालेगी, तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बता सकते हो कि इनका फर्स्ट ओपोनेंट कौन होने वाला है और ये रिटर्न करेंगे किस ब्रांड पे। और नेक्स्ट रिटर्न हमें देखने को मिल सकता है बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk का। अब देखो फ्रेंड्स, जो 2020 है इसमें सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन किया जा रहा है कि शायद CM Punk का हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हम CM Punk का रिटर्न के काफी नजदीक आ चुके हैं, और वो बैकलैश पेपर भी हो सकता है जहां हमें उनका रिटर्न देखने को मिल सकता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको मालूम हो कि बैकलैश WWE का बहुत पुराना पेपर व्यू है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें उनका वहां रिटर्न देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट और लास्ट रिटर्न जो कि इस लिस्ट में है, और ये रिटर्न और को नहीं बल्कि हमें जिंदर महल का देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, जिंदर महल के साथ अभी ये कंडीशन चल रहा है और ये इनके साथ कांड हो रहा है कि मात्र मंडे नाइट रॉ पे एक मैच वो रेसल किए हैं, और वही मैच में बस उनको एक बार फिर से नीक हिस्सेदारी करवानी पड़ रही है। तो मुझे कंडीशन समझ में नहीं आ रहा है जिंदर महल के साथ कि मात्र एक मैच रेसल कर रहे हैं और फिर इनको नीक सर्जरी करवानी पड़ रही है। तो अभी मतलब ये न्यूज़ आई है कि जिंदर महल फिर से नीक सर्जरी के लिए चले गए हैं, और मतलब ऐसा हो सकता है कि 4 या 5 मंथ मतलब वो गायब हो जाए। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि जो पहले वाला नी सर्जरी था वो काफ़ी हार्ड था, लेकिन ये वाला है जो मतलब काफ़ी ये है इजी है। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें इनका भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। अब देखो फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के फैन हो तो जिंदर महल का तो नाम आना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि शायद जिंदर महल का भी हमें रिटर्न देखने को मिल सकता है। अगर ड्रू मैकइंटायर जीतते हैं तो फ्रेंड्स और भी चांसेस हो जाएगा कि शायद ड्रू मैकइंटायर को फेस करने के लिए वो भी आ जाए, क्योंकि ड्रीम मैच है ये। तो हो सकता है फ्रेंड्स कि हमें जिंदर महल का भी रिटर्न देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, यही कुछ रिटर्न है जो कि हमें इस साल के बैकलैश 2020 में देखने को मिल सकता है। तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख के बताएं कि आपका फेवरेट रिटर्न कौन सा होने वाला है। तो होप करता हूं कि वीडियो आपको हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।
मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। फाइनली पीस आउट फ्रेंड।